अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन का अचार गोश। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेसिपी चाहे आप बीफ में बनाएं, चाहे चिकन में बनाएं, चाहे मटन में बनाएं, मसाले सेम यही होंगे और तरकीब सेम यही होगी, लेकिन हम बना रहे हैं चिकन का। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमें इनमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आधा किलो हमने लिया है चिकन का गोश, ठीक है। एक पाव हमने इसमें दही रखा हुआ है फेंट के। तीन अदद हमने टमाटर मैश ये करके चॉप करके रखे हुए हैं या ग्राइंड करके रखे हुए हैं। और ऑयल हमने लिया है एक कप, ठीक है। ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे कोरमे में और अचार गोश्त में, ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इसमें हमने लिया है एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हमने इसमें लिए हल्दी पाउडर, एक टीस्पून हमने इसमें लिए है रंगीन लाल मिर्च। आपको मालूम है मैं अपनी हर रेसिपी में ये यूज़ करती हूँ, इससे खाने का कलर बहुत अच्छा आता है। एक टेबलस्पून हमने इसमें ली है पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हमने इसमें लिया है पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला चाट इसमें यूज़ नहीं होता, लेकिन हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, ज़रा चटपटा खाना बनेगा। अच्छा, पाँच अदर हमने इसमें ली है हरी मिर्च साबुत, ठीक है। ये कुछ मसाला है जिसे हम अभी पकाने से पहले कूट लेंगे, मैंने इसलिए नहीं कूटा कि आप लोगों को दिखा सकूं। दो अदद ये तेज़पात के टुकड़े हैं, तीन छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और एक टीस्पून सौंफ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ये है हमारा चार मसाले का जो मेन मसाला है। एक हाफ टी स्पून हमने सौंफ ली है, हाफ टी स्पून हमने करौंजी ली है, हाफ टी स्पून हमने इसमें मेथी दाना लिया है, ठीक है। इसके बगैर अचार गोश मुकम्मल नहीं होता। एक टी स्पून हमने इसमें लिया है पिसा धनिया और हाफ टी स्पून हमने इसमें ली है काली मिर्च, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि हम इसे किस तरह बनाएंगे। और एक बात बताती चलूँ, ये जो मसाला साबुत मैंने आपको मेंशन करने के लिए रखा हुआ है, इसे हम पहले से ही मोटा मोटा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। फिर हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह शुरू कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल जो करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये सारे मसाले अपने घर के लिए हैं। आप अगर चाहें तो पैकेट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, रेसिपी सेम यही होगी, मटन के लिए भी, बीफ के लिए भी, चिकन के लिए भी। हम अपने मसाले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने आपको अपने मसालों का बताया है। तो सबसे पहले ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। अदरक लहसुन की पेस्ट के थोड़ा सा ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाला जो मैंने आपको बताया है कि हमने कूट लेना है। इसमें क्या क्या शामिल था? दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची और तेज़पात के टुकड़े, ठीक है। आँच हम नॉर्मल रखेंगे, आँच का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। जिसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपना ये चिकन का गोश्त, ठीक। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये है कि इतना ऑयल होना चाहिए ताकि गोश्त आराम से भून सके। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। अचार गोश्त एक बहुत ही मज़ेदार डिश है, चाहे आप किसी भी गोश्त में बना लें, बहुत मज़ेदार लगती है। नान के साथ, घर की चपाती के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारे अपने घर के मसालों की रेसिपी है। मैंने ये पैकेट का मशवरा आप लोगों को इसलिए दिया है कि जो बच्चियाँ जिन्हें अंदाज़ा नहीं है, वैसे तो मैंने इतनी आसानी से सारा वजाहत से बताया है कि आप अपने घर के मसालों से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पैकेट यूज़ कर सकते हैं। हम घर के मसाले इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि पैकेट में क्या क्या पिस रहा है, क्या क्या शामिल हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं मसाले अपने घर पे इस्तेमाल करूँ, ठीक है। या आपने देखा चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम साथ ही शामिल करेंगे, अच्छा आज हम हल्की करेंगे मसाले शामिल करते हुए, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले शामिल करना है ये अचार गोश्त का मसाला, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। ये हमने इसमें नमक शामिल कर दिया, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और काली मिर्च, ये है हमारी पिसी लाल मिर्च, ये हमारी रंगीन लाल मिर्च जिससे सालन को चार चांद लगेंगे, ये है पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब इसके साथ ही हम शामिल करेंगे
ये टमाटरों का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। ठीक है, दही हम अभी शामिल नहीं कर रहे, अभी हम इस पर अच्छी तरह से मिक्स करके फिर दही शामिल करेंगे। ये देखिए सारे मसाले मिक्स होना शुरू हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं टमाटरों का जो पानी निकला है, हमने पानी बीच में शामिल नहीं किया है, लेकिन टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है। ठीक है, साथ ही इसके हम शामिल करेंगे अब इसमें दही। देख रहे हैं कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। ये हमने इसमें दही शामिल किया, अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा जो ये गोश है, ये दही और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। अगर आप गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद करना चाहते हैं तो चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी शामिल नहीं कर रहे। हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत है तो हम शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे और आँच का ख्याल हमें रखना है कि आँच हमने नॉर्मल रखनी है, जिसमें हमारा मसाला अच्छी तरह पक भी जाए और गोश्त भी गल जाए। फिर हम 15 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या शक्ल इख्तियार की है सालन जी। 15 मिनट के बाद अब हम देख रहे हैं कि सालन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए दही ने और टमाटर ने पानी खूब छोड़ दिया है, हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। उम्मीद है कि हमारा गोश्त इसमें बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये देखें अभी इसे मज़ीद पकने की ज़रूरत है, थोड़ा मसाला गाढ़ा होना चाहिए, अभी ये बहुत ज़्यादा पतला है। 15 मिनट हमने इंतज़ार किया है, इसे हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि थोड़ा मसाला ठीक हो जाए और गोश्त अंदर से गल जाए। और फिर दम से पहले हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और क्या कहते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सालन की क्या पोजीशन है। जी ये देखिए हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चला है, ऑयल निकल आया है, चिकन हमारी बहुत अच्छी गल गई है, मसाला देखें ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे ये साबुत हरी मिर्चें और इसको 5 मिनट के लिए हम दम देंगे ताकि हमारी मिर्चें फ्लेवर इसमें आ जाए, और हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख दिया है और आँच हल्की करनी है क्योंकि दम पे है। 5 मिनट बाद हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी ये हमने अचार गोश्त को डिश आउट कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट हमने इसको हरी मिर्चें डाल के दम किया था, अब ये इसकी चिकन भी गल गई है और मसाला भी थिक हो गया है। इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाइए और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसे लग रही है मेरी रेसिपी, और शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द फिर नई नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।